चलो आज ना गेम खेलते हैं। क्या आप लोग रेडालियो के बारे में जानते हैं कि रेडालियो कौन है और करते क्या हैं? अभी गेम उन लोगों के लिए है जो रेडालियो के बारे में नहीं जानते हैं। तो चलो गेम स्टार्ट करते हैं। अब देखो गेम यह है कि सबसे पहले आपको एक नोटबुक लेनी है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, आपने उस सवाल का जवाब अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। अब वह जवाब आपको गूगल से सर्च नहीं करना है, आपके दिमाग में जो भी उस सवाल का जवाब आएगा आपने उसको ही नोट डाउन करना है। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है, आपको लिखना है टॉप 10, ठीक है, एक्टर्स के नाम लिखने हैं जो भी आपके दिमाग में आते हैं जो इंडिया के अंदर फेमस हैं। इसके साथ साथ आपको दूसरे नंबर पर लिखना है टॉप 10, ठीक है, पॉलिटिशियंस, यानी कि यहां पर नेताओं के नाम आपने लिखने हैं जो भी आपको याद है, ठीक है, जो इंडिया में फेमस है या जो आपके एरिया में फेमस है, आप नाम लिख सकते हैं जो टॉप 10 श्रेणी में आते हैं। तीसरे नंबर पर आपने लिखना है, ठीक है, टॉप 10, ठीक है, क्रिकेटर, आप क्रिकेटर के बारे में भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको चौथे नंबर पर यहां पर नोट डाउन करना है टॉप 10 पॉर्न स्टार। अब आपने इन सवालों के जवाब लिखने बिना गूगल पर सर्च किए, क्लियर। अब आपने अगर इन सवालों के जवाब नोट डाउन कर लिए और आपको अगर पता है तो खेल शुरू होता है। खेल यह है कि अब आपको ना सफलता चाहिए, आप सक्सेस चाहते हैं अपने जीवन में, क्लियर। आपको क्या करना है, आपको अपनी गरीबी से अमीरी की तरफ जाना है। तो यहां पर सीधा सा सवाल यह है कि टॉप 10, ठीक है, बिजनेसमैन, ठीक है, क्या आप जानते हैं कि टॉप 10 बिजनेसमैन कौन है जिन्होंने गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया और कैसे किया है? अगली चीज, आप सफलता कहां चाहते हैं? सर ट्रेडिंग में चाहते हैं, आपको यहां सफलता ट्रेडिंग में भी ही तो चाहिए। अब यहां पर एक सवाल और ऐड कर लो कि वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, ऐसे टॉप 10 यहां पर ट्रेडर्स के आप लोग नाम जानते हो जिन्होंने ट्रेडिंग करके अपनी जिंदगी को सफल बनाया हो। यह सबसे बड़ा गेम है, आपको सफलता कहां चाहिए, ट्रेडिंग में चाहिए, और आप इसके खिलाड़ियों के नाम ही नहीं जानते हो, उन्होंने कैसे यहां पर सक्सेस हासिल की आपको नहीं पता। आप लोग क्या सोचते हो कि मार्केट के अंदर 1 से 2 घंटे बिताओ, मार्केट के अंदर सिर्फ 2 लाइन मार्क करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट पर खरीदो, रेजिस्टेंस पर बेचो और काम हो गया, यही तुम सोचते हैं। और इसकी वजह से मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, सेबी क्या कह रहा है, 10 में से 9 ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, एक ही ट्रेडर प्रॉफिट में है। अब वो एक ट्रेडर को आपने ढूंढने की कोशिश की कि वो एक ट्रेडर कौन है, इसके पीछे का सारा खेल क्या है। देखो चलते हैं वापस से रेडालियो की तरफ। यहां पर ना रेडालियो का सबसे पहले ना एक बार नेटवर्थ देख लेते हैं कि रेडालियो का नेटवर्थ क्या है। देखो रेडालियो का जो नेटवर्थ है वह है 1,540 करोड़ रुपए। इन्होंने गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया है रेडालियो ने। एक पत्रकार ने जब इनका इंटरव्यू लिया तो इनसे पूछा कि रेडालियो आपने कैसे यहां पर गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया और आपकी सक्सेस की क्या है। तो रेडालियो सीधा सा कहते हैं कि मेरी जो सक्सेस की है वह है ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। मैं हमेशा इसके साथ ही यहां पर आगे बढ़ पाया हूं, मेडिटेशन के साथ। अब जब ये बात हुई तो मैं कुछ समय पहले ना एक वीडियो देख रहा था YouTube पर और एक ट्रेडर समझा रहा था, वो ये कह रहा था कि अगर आपको, ठीक है, सही तरीके से इस मार्केट के अंदर अगर फोकस बनाना है, सही तरीके से आपको सही जगह खरीदना है, सही जगह बेचना है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपने अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना होगा, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। अब जैसे ही उसने इमोशंस कंट्रोल पर करने की बात कही, सीधा मेरे दिमाग में एक लाइन हिट हो जाती है, ठीक है, गीता की। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं गीता के अंदर कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो, अपनी भावनाओं को, ठीक है, बांध कर रखो। पूरी गीता का सार यही है। अब जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को बांध कर रखता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जीवन में आगे बढ़ जाता है। श्री कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं कि देखो अर्जुन, कभी भी मनुष्य को ना तो ज्यादा सुख में खुशियां मनानी चाहिए और ना ज्यादा दुख में दुख मनाना चाहिए, उसको हमेशा संभाव में रहना चाहिए, मतलब एक जैसा, हमेशा वो एक जैसा रहे। लेकिन हम क्या करते हैं,
अगर थोड़ा प्रॉफिट बना तो बस किंग बन जाते हैं। वही है ना कहावत है, जैसे चूहे के हाथ कत्तर लग जाती है। तो वैसे ही हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि हमने थोड़ा प्रॉफिट बना लिया तो बस अब हम इस मार्केट के किंग बन गए, ठीक है, हमें सब कुछ मालूम है। और जिस दिन हमारा लॉस हो जाता है, हम हाय हाय करके ना पूरे बाजार में और पूरे घर में भागे फिरते हैं कि हमारा लॉस हो गया, हमारा लॉस हो गया, फिर दुख मनाते हैं। तो इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है। अरे सर, अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर सफल होना है तो अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो भी आप शांत रहिए, और अगर आप लॉस कर रहे हैं तब भी आप शांत रहिए। अच्छा एक चीज बताओ, और दुनिया का कोई एक ऐसा बिजनेस बताओ जिसके अंदर लॉस ना हो, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। है कोई ऐसा बिजनेस? सर प्रॉफिट ठीक है और लॉस पार्ट ऑफ बिजनेस, चलता रहेगा। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के साथ साथ यहां पर मुझे किसी महीने लॉस भी हो जाता है। सर दुनिया का कोई बिजनेस है ही नहीं जो बिना लॉस के चलता हो। लॉस सबको होता है, बड़े से बड़े बैंक्स को हो जाता है, गवर्नमेंट को हो जाता है, ठीक है, और अगर आप देखेंगे जो मंदिर मस्जिद होते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। तो लॉस हर जगह है, लेकिन उस जब वो लॉस होता है ना, उस नुकसान के बाद हम अपने जीवन को किस तरीके से देखते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। भगवान राम ने लॉस नहीं किया था जब उनको राज्याभिषेक होने वाला था, फिर अगले दिन क्या हुआ था, ठीक है, उन्हें वनवास जाना पड़ गया, तो लॉस हुआ ना। श्री कृष्ण भगवान को लॉस नहीं हुआ, उनको भी लॉस हुआ, अपने जीवन में बहुत दुख उठाए। अरे जितने दुख, ठीक है, भगवान राम ने और श्री कृष्ण भगवान ने उठाए ना, हम उनके बराबर ये कह सकते हैं कि जो समुद्र पर रेत होती है और रेत का जो एक कण होता है, ठीक है, हम वो भी दुख नहीं उठा सकते, सीधी सी बात तो ये। तो इतने बड़े लेवल पर उन्होंने दुख उठाए हैं और हम छोटे से दुख पर क्या करते हैं, हाय हाय करके पूरा घर उठा लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। और परेशान होकर आप किसी भी दुख से, ठीक है, अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। और एक वीडियो और देख रहा था मैं, ठीक है, और उसमें एक चीज़ बड़े कमाल की कही गई थी, वह यह थी कि अगर आप किसी परेशानी में हो, कोई चिंता है आपको, और अगर उस चिंता का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फिर सॉल्यूशन पे काम करो। और जिस चिंता का सॉल्यूशन ही नहीं है तो फिर तुम चिंता करके क्या उखाड़ लोगे। तो ये चीज़ मुझे उस टाइम पर समझ में आई, और यही चीज़ मुझे आज ज़िंदगी में इस लेवल पर लाकर खड़ा करती है कि अगर मेरे जीवन में कोई ऐसी बात आ जाती है कि जो मुझे डगमगा सके, तो मैं डगमगाता नहीं हूँ, मैं हमेशा डट कर खड़ा रहता हूँ और परेशानियों से कहता हूँ कि आओ मैं तुम्हें हराऊंगा, लातों से हराऊंगा, घूसों से हराऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें हराऊंगा, मैं तुमसे लड़कर आगे बढ़कर अपना जीवन जीत कर दिखाऊंगा, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आता है तो इस वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, एक सक्सेसफुल जीवन जी रहा हूँ। अब बहुत से लोग कहते हैं ना ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस चाहिए, कैसे सफलता हासिल कर सकते हैं, तो सीधा सा मतलब है, ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, तभी हो सकते हो, ठीक है। और जिन लोगों को इस गेम के अंदर जो मैंने पूछा ना टॉप 10 पॉर्न स्टार्स के नाम, तो अपनी दिशा देख लेना कि किस दिशा में जा रहे हो। अब बात करते हैं कि कल मार्केट में किस तरीके से ट्रेड किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी कुछ ट्रेडर मार्केट के अंदर लॉस में ही खड़े हैं। अब देखो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी में ट्रेड करना है। निफ्टी के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर निफ्टी नीचे गिर रहा है ना तो वापस से रिकवर कर रहा है हर बार, लेकिन बैंक निफ्टी में ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है। बैंक निफ्टी नीचे गिरता है, ठीक है, तो नीचे गिर कर ही रह जाता है। अब यहाँ पर क्या चीज़ हमें देखने के लिए मिल रही है निफ्टी के अंदर, ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको ना एक बार डे के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि डे के टाइम फ्रेम पर किस तरीके का कैंडल्स निफ्टी ने क्लोज करके दिया, क्योंकि कैंडल्स का साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमेशा याद रखना। अब देखो हमें यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल दिखाई दे रहा है। अब ये कैंडल्स कल के दिन नीचे गिरा था, इससे एक दिन पहले, ठीक है, वापस से रिकवर हो गया था। अब मार्केट के अंदर ये जो कैंडल्स बना है यहाँ पर बाइंग प्रेशर है, ठीक है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। तो बड़े बारीकी से मार्केट को समझकर चलना है। सबसे पहले क्लोजिंग प्राइस देखना है, मार्केट का क्लोजिंग प्राइस क्या है, 24,413, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अब वह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है उसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। वह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है गाइज हमारे पास ये रहा,
कौन सा है? 24,305। ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। अब हमें इंतजार करना है कि अगर हमें सेलिंग के बारे में सोच रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि निफ्टी के अंदर हम सेलिंग की तरफ जाएं, तो जब तक मार्केट अब 24,305 के नीचे नहीं जाता है तब तक कोई बड़े लेवल पर सेलिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन ये भी है कि मार्केट जब वर्क करता है तो ठीक है, इस वेव में करता है, एक वेव बनाता है, ठीक है। इस तरीके से तो नहीं चलता ना, सीधा सीधा एक वेव बनाकर चलता है। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो बड़े लेवल पर 305 के नीचे आएगा तभी नीचे गिरेगा। अब इसके ऊपर है तो बाय ऑन डिप का सिनेरियो है कि अगर मार्केट नीचे गिरता है, ठीक है, एक सपोर्ट के साथ मार्केट के अंदर खरीदारी की जा सकती है। आपको एक बात और याद होगी, मैंने आप लोगों से ये कहा था कि मार्केट के अंदर ना 24,500 एक लेवल है, ये लेवल, ठीक है। और मार्केट ने आज ठीक 24,500 से ही हमें काफी अच्छे लेवल पर हमें सेलिंग दिखाई है। निफ्टी के अंदर पुट की तरफ काफी अच्छा पैसा था निफ्टी में। अब यहां पर वापस से हमारे लिए ना 24,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग करता है 24,550 तक या गैप अप ओपनिंग हमें दिखा देता है किसी भी वजह से, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा 24,550। जितना भी निफ्टी ऊपर जाएगा यहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ही हमें देखने के लिए मिलेगा। देखो एक चीज और बताता हूं, आप ना एक माइंड सेट बनाओ। माइंड सेट ये है कि आप अगर कल ट्रेड करने जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेंडिंग तो मार्केट कभी कभी रहता है, आप एक माइंड सेट बना लो आज से कि आप रोजाना मार्केट के अंदर जो भी ट्रेड करोगे वह करेक्शंस पर करोगे, यानी कि सेल साइड की तरफ आप ट्रेड पकड़ना शुरू कर दो। जितने भी बड़े ट्रेडर आप देखोगे ना, वह सबसे ज्यादा ट्रेड सेल साइड की तरफ करते हैं, पी लेकर बैठे रहेंगे। आप कितने भी वीडियोस देख लो यूट्यूब पर, ये फोकस के साथ देखना, जो भी वह अपना प्रॉफिट दिखा रहे हैं वह पी साइड का दिखा रहे होंगे आपको, वो सी साइड का प्रॉफिट होगा ही नहीं, बहुत कम होगा। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तब बात अलग है, कोई न्यूज आ गई तब बात अलग होती है, लेकिन पी साइड की तरफ सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। पता ही है ना, मार्केट जब ऊपर चलता है तो स्ट्रगल के साथ चलता है और जब गिरता है तो तेजी के साथ गिर जाता है। तो सबसे ज्यादा जो पैसा बना पाओगे वह तुम यहां पर बना पाओगे। और एक काम की बात और बताता हूं, अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप क्या करो, आप इन 10,000 में से 5,000 रुपए इन्वेस्ट करो, अगर आप सोच रहे हो मार्केट ऊपर जाएगा तो। और अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट नीचे गिरेगा तो आप 10,000 इन्वेस्ट कर दो। ये साइकोलॉजी है ट्रेड करने का, सेल साइड की तरफ सारा पैसा लगा दो और बाइंग साइड की तरफ अपना 50% ही पैसा इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। तो जितना निफ्टी ऊपर उठेगा उतने लेवल पर ही हमें यहां पर क्या दिखाई देगा, एक रेजिस्टेंस लेवल दिखाई देगा। तो हमारे पास जो अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अभी 24,513 है, इसके बाद कौन सा रेजिस्टेंस आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। सीधा हमारे पास एक रेजिस्टेंस आता है गाइस, इसके बाद ये रहा 24,586, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट जितना भी ऊपर उठने वाला है सीधा वह रेजिस्टेंस से एक, ठीक है, एक फाइट करने वाला है। तो आप इस रेजिस्टेंस के बेस पर मार्केट के अंदर क्या कर सकते हो, सेल साइड की तरफ जा सकते हो और एक अच्छा खासा मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अब प्रॉफिट की बात आती है, हर वीडियो में कहता हूँ, एक ट्रेडर क्या सोचता है, आज मार्केट के अंदर एक्सपायरी है, जीरो से हीरो ट्रेड पकड़ना है। तुम सच्चे दिल से बताना, अपने दिल पर हाथ रख के, इस जीरो टू हीरो के चक्कर में ही सब कुछ लुटवा कर बैठे हुए हो, कमेंट करके जरूर बताना। अगर तुम मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5% से लेकर, ठीक है, 20% तक का प्रॉफिट, ठीक है, और एक ट्रेड इस रूल को अप्लाई कर लेते तो आज तुम्हारे घर में मर्सिडीज और BMW जरूर होती। और अगर वो भी नहीं होती तो ना तो ऊपर तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा होता और ना ही आज तुम अपने जीवन में असफल जीवन जी रहे होते, सब कुछ होता। लेकिन क्या हुआ, हम लालच कर गए, ग्रीड आ गया हमारे अंदर, जिसकी वजह से हम मार्केट के अंदर सफल नहीं हो पाए, मार्केट छोड़ो हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए। एक काम की बात और बता देता हूं, उसे भी सीख कर जाओ, तुम्हारा जो भी जीवन है, जितने साल भी तुम जी चुके,
ठीक है, एक जो अच्छा जीवन होता है ना वो 60 साल तक ही होता है। मनुष्य जो है ना इस धरती पर 60 साल से ज़्यादा नहीं जी पा रहे, तो अपनी आयु का आकलन करना और शांत मन से, ठीक है, आज एक कोने में जाकर बैठना और सिर्फ एक ही बात करनी है कि अपनी ज़िंदगी की आधी फिल्म तो पिट गई, अब जो बची हुई आधी फिल्म है उसको हिट करके दिखाना है जिससे कि लोगों को सुनने में मज़ा आए। अब वो काम तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। आधी ज़िंदगी ख़त्म, अब आधी ज़िंदगी को ऐसे शुरू करना है कि लोग कहें कि वाह क्या स्टोरी थी बंदी की, करके दिखाओ यार, सब कर सकते हैं। इस धरती पर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, ठीक है, जिसने स्ट्रगल ना झेला हो। तुम स्ट्रगल झेल रहे हो, सबसे अच्छी बात है, स्ट्रांग बनोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है, और जीवन में एक सफल व्यक्ति बनोगे। और अगर स्ट्रगल से ही डर गए तो काम ख़त्म है बेटा, फिर कुछ नहीं है। सपोर्ट मार्केट के अंदर, ठीक है, 24,305, इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और आता है निफ्टी में, सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको भी पकड़ लेते हैं यहाँ पर हम 24,194, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब देखो सीधी सी बात है, प्रिडिक्शंस कब काम करता है, जो हम बताते हैं ना कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, ये कब काम करता है, जब मार्केट के अंदर ओपनिंग होती है। ओपनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि मार्केट ओपनिंग किस तरीके से कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास कर रहा है या गैप अप ओपनिंग कर रहा है या गैप डाउन ओपनिंग कर रहा है, ठीक है, तब ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पर निफ्टी समझ में आ गया है ना, तो वापस से चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी की तरफ। और मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी की एक्सपायरी में ट्रेड ना करके आप अगली एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, मिड कैप में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आज मिड कैप देख लो, मिड कैप गिरा ही नहीं, जैसे ही गिरा था रिकवर हो गया, ठीक है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी ने अब जाकर, ठीक है, हमें यहाँ पर इस बॉक्स का क्या दिया है, ठीक है, ब्रेकडाउन दिया है इस कैंडल के साथ, सेल साइड की तरफ आया। क्या हम इस कैंडल को पकड़ सकते थे, क्या पॉसिबल था इस कैंडल को पकड़ना, देखते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर इस कैंडल के हाई को मार्क कर लेते हैं, ये हमने हाई मार्क कर लिया, ठीक है। क्या इन कैंडल्स में से कोई कैंडल्स टच होती नजर आ रही है इस लाइन से, नहीं हो रही ना, कोई भी कैंडल टच नहीं हुई है। लेकिन यहां देखो ये वाला इंपोर्टेंट जोन था ये, तो पकड़ा जा सकता था, बस सिर्फ क्या है, फोकस बनाने की जरूरत थी। फोकस बन जाता मार्केट के अंदर, ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो सकता था, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया कि यहां पर भी कुछ है। सिर्फ क्या है, दो लाइंस मार्क करके बैठे हुए हैं और पैसे आ गए अकाउंट में, अब करेंगे बस सुबह 9:15 के बाद, क्योंकि माइंडसेट तो यह है कि सबसे पहले लॉस रिकवर करना है कल का, और आज अपने फंड को करीब करीब 2x में लेकर जाना है। और प्रार्थना यह है भगवान से कि भगवान आज एक ऐसी ट्रेड मिल जाए कि बस मज़ा आ जाए, जो 0 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक चली जाए। हर ट्रेडर के मन में ये चीज़ चलती है, इसी वजह से वो सफल नहीं है। लालच की नाव हर जगह भारी है, ठीक है, आप लालच की नाव में वजन लेकर, ठीक है, अगर चल रहे हैं तो वो नाव, ठीक है, भाव सागर में लेकर जाओगे तो डूब ही जाएगी, वो तैरेगी नहीं। अब आप लोग ना एक बात याद रखना, बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी 51,317 के आसपास, क्लियर। अब यहां पर एक नंबर है 51,500, ठीक है, इस लेवल पर आपने एक लाइन को मार्क करना है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है, ठीक है, तो बाय ऑन डिप का सिनेरियो रहेगा। मार्केट अगर नीचे भी गिरता है ना, तो आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को मार्क करने के बाद, ठीक है, खरीदारी कर सकते हैं। मार्केट में आगे के लेवल्स आपके सामने ओपन होते हुए नजर आएंगे, क्लियर। अब अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात की जाए, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे पास 51,200, ठीक है, इसके बाद आता है 51,000, ठीक है, 150, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया ना, बैंक निफ्टी यहां पर 51,000 का ब्रेकडाउन करके आ गया है, ये सबसे बड़ी बात है, ये नहीं होना चाहिए था और वो चीज़ हो चुकी है, और एक बाइंग प्रेशर हमें देखने के लिए भी मिला है। अब सिर्फ ये देखना है कि मार्केट के अंदर ओपनिंग किस साइड करता है मार्केट। मैं कल सुबह 9:30 पर, ठीक है, मॉर्निंग में लाइव आऊँगा
आप मेरे साथ लाइव आकर ट्रेड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, मेरा क्या साइकोलॉजी है मार्केट के अंदर ट्रेड करने का, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो आप 9:30 पर हमारे साथ लाइव आ सकते हैं।